नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स ज्ञान में। आज हम नए टॉपिक को शुरू करने से पहले जो हमने कल पढ़ाई की है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएटी के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन ग्रेजुएटी के ऊपर। मिस्टर आर जो कि एक एसएससी है वो रिटायर हुए हैं 15 जून 2018 को। उन्होंने सर्विस जब ज्वाइन की थी वो दिन था 15 सितंबर 2018। उन्होंने ग्रेजुटी जो रिसीव की है, ग्रेजुटी का अमाउंट, वो अमाउंट है 12 लाख रुपीस। इसके अलावा उसके अदर इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है वो है इनकी बेसिक सैलरी, दूसरा डीए, कमीशन जो उनको मिलता है और बोनस। देखिए कल मैंने आपको जब ग्रेजुएटी पढ़ाई थी तो वहाँ पे एक वर्ड आया था सैलरी। व्हाट डज इट मींस, सैलरी का मतलब क्या है ग्रेजुएटी के लिए, लिव एंकेसमेंट के लिए? जो वहाँ पे सैलरी वर्ड है, जहाँ आपको 10 महीने की सैलरी लेनी है, 5 महीने की सैलरी लेनी है या एवरेज सैलरी लेनी है, तो वहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? तो सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए, जो कि पार्ट होना चाहिए रिटायरमेंट बेनिफिट का। वहाँ दिया हुआ रहेगा, अगर एज ए परसेंटेज दिया हुआ रह सकता है, अमाउंट दिया हुआ रह सकता है कि डीए है इसमें से टोटल अमाउंट इतना है, इसमें से पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट इतना है और अदर्स इतना है। अगर दिया हुआ नहीं है आपको एजम्पशन लगानी है, नोट लिखना है क्वेश्चन के अंदर कि हमने प्रिफर आपको ये करना है कि आपने पूरा का पूरा डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट मान के करे, ठीक है। अदरवाइज जो यूनिवर्सिटी की जो बुक्स है जिसमें जो एजम्पशंस ली हुई है उस हिसाब से आप आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर मैं आपको यही कहूँगा अगर कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है तो कि आप उसे पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट माने। कमीशन, कमीशन के अंदर परसेंटेज ऑफ सेल वाला ही कमीशन लिया जाना है। जो परसेंटेज ऑफ सेल्स के ऊपर हम कमीशन देते हैं एम्प्लॉय को, केवल वो कमीशन ही उसकी सैलरी का पार्ट बनेगा। कोई अगर फिक्स कमीशन दिया जाता है तो उसे हम सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे। ये चीज़ आपका ग्रेजुएटी पे भी एप्लीकेबल है और आगे लिव एंकेसमेंट पे भी एप्लीकेबल है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। बेसिक सैलरी जो उसकी दी हुई थी वो थी 5000 पर मंथ, डीए उनका था 3000 पर मंथ, जिसमें से 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का था। कमीशन जो था वो था 500 पर मंथ, we
तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। आपको इन तीनों सिचुएशन में कैलकुलेट करना है ग्रेजुटी की अमाउंट को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आंसर। ग्रेजुटी देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वहाँ पे पूरा एग्जम्प्ट है, उसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में आपको दो बातें कि जहाँ ग्रेजुटी कवर्ड था और यहाँ ग्रेजुटी कवर नहीं था। ठीक है, तो जहाँ ग्रेजुटी में कवर था वहाँ पे आपको करना है, पहला है एक्चुअली जो अपना ग्रेजुटी रिसीव हुआ 12 लैक्स, दूसरा है 20 लैक्स जो स्टेचुरी लिमिट दी गई है, आपको पता होगा कल आपने देखा था। थर्ड नंबर पे है एक फॉर्मूला जो हमने ने आपको बताया था, 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी जो कि 7300 आया है। वो 7300 कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। 5000 आया है हमारा बेसिक सैलरी, डीए का 60% ही पार्ट है, 3000 का 60% इज 1800, ठीक है। और ये थोड़ा और प्लस जो हमें जोड़ना है वो है 500 कमीशन का, जो कि परसेंटेज ऑफ सेल्स मैंने वहाँ लिखा था, ठीक है। कई बार परसेंटेज ऑफ सेल्स कमीशन पूरा नहीं लिख के सेल्स दे देता है, परसेंटेज दे देता है, आपको कैलकुलेट करना है। तो ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। उसके बाद में टोटल सेल जो आपका ईयर ऑफ सर्विस है वो आपका आएगा, जब आप कैलकुलेट करोगे 15 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर 1992 से, आपको जब 15 जून तक आप कैलकुलेट करोगे 15 जून 2018 तक, तो ये निकल के आएगा 15 ईयर्स 9 मंथ्स। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे ये निकल के आएगा। तो उस तरीके से जो हमें यहाँ लेना है, पार्ट को भी हम पूरा कंप्लीट ईयर मान लेंगे, इसलिए यहाँ 16 ईयर्स हमें लेना है। और ये जब कैलकुलेट करेंगे थर्ड नंबर पे इस फॉर्मूले से, तो निकल के आएगा 67,385, और टोटल अपना जो हो जाएगा इस तरीके से, ये एग्जम्प्ट अमाउंट आ जाएगा। तो लोअर ऑफ अबव एग्जम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 67,385 और 20 लैक्स, और 12 लैक्स में से सबसे लोअर है 67,385, तो ये हमारा लोअर एग्जम्प्ट हो जाएगा, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट जो निकल के आएगा 12 लैक्स जो हमें एक्चुअल रिसीव हुआ था उसमें से जब हम रिड्यूस करेंगे, क्या हो रहा है, तो जो 16,367,385 से जब हम लेस करेंगे तो निकल के आएगा 11,32,615, और हम ये अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। इसके बाद जब ग्रेजुटी नॉट कवर्ड, या आप एक बार कैलकुलेट करके देखना, आपको निकल जाएगा। जो आपका आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये इजी है, यहाँ पे 15/26 के बजाय यहाँ पे जो 15/26 है
यहाँ पे 15/26 के बजाय ये बजाय है 1/2 लिखना है आपको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पेंशन के। पेंशन के ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी है मिस्टर एस, जिनको पेंशन रिसीव हुई है 3 लाख की। इसके अलावा उन्हें मंथली पेंशन भी रिसीव होती है ₹5,000 की, ठीक है। ओके, अब आपको इसमें वही तीनों सिचुएशन की जो मैंने आपको बताई थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको क्या होगा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर जो कम्यूटेड पेंशन है 3 लाख वो तो हो जाएगी एग्जम्प्ट, और 5 लाख हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। वहीं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके अंदर अगर हम रिसीव कर रहे हैं ग्रेजुटी और रिसीव नहीं कर रहे हैं ग्रेजुटी, तो ग्रेजुटी अगर हम रिसीव कर रहे हैं या ग्रेजुटी नॉट रिसीव्ड ग्रेजुटी, अगर ऐसा है तो हमें क्या, तो ग्रेजुटी अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो 1/3 हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। 1/3 एग्जम्प्ट जो हमारा होगा वो होगा 3 लैक्स का 1/3 यानी कि 1 लैक, और टैक्सेबल जो अमाउंट हो जाएगा वो है 2 लैक्स। वहीं अगर हम ग्रेजुटी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो 1/2 इज एग्जम्प्ट, एंड उसी तरीके से जो 1/2 एग्जम्प्ट है यानी कि 1,50,000, और 1,50,000 ही हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, लीव सैलरी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। यहाँ पे हमें लिखना है LEAVE लीव एंड कैशमेंट, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसमें क्वेश्चन है मिस्टर एच, सेम वही क्वेश्चन है, वो रिटायर हुए हैं 15 जून 2018 को, उन्होंने ज्वाइन की थी कंपनी 15 सितंबर 1992 में, और उन्होंने जो है लीव सैलरी रिसीव की है 7 लाख रुपए, ठीक है। बेसिक सैलरी वही हम सिंपल रखने के लिए मैं क्वेश्चन को वहीं ले रहा हूँ, 5,000 पर मंथ जो हमने ग्रेजुएटी में ली थी। डीए हमारा आएगा 3,000 पर मंथ, 60% पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कई बार पार्ट लिख के ही छोड़ देते हैं, मैं भी शॉर्टकट लिख रहा हूँ। कमीशन जो है, जो परसेंटेज ऑफ सेल्स है, वो ₹500 पर मंथ। बोनस हमें लेना नहीं है लेकिन उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आप ये मान के चलिए ऐसे दिए हुए रहेंगे, आगे और भी कई सारी चीज़ें दी हुई रह सकती है। ये है 1,000 पर मंथ, ठीक है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है आगे, वही इसमें दो सिचुएशन ही होगी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके अलावा इसमें कोई थर्ड सिचुएशन नहीं बनेगी। एक तो इसमें यार ये बड़े बड़े हैं, चलो मैं यहीं पे यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वैसे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वो वापस गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें चार चीज़ें थी, आपको ध्यान हो तो हम चारों चीज़ें यहाँ पे बता देते हैं। चारों चीज़ें क्या क्या थी, सबसे पहले लीव सैलरी जो एक्चुअली रिसीव हुई है वो हमारा कितना है, तो 7 लाख। फिर
इसके अलावा लिमिट जो हमने दी है स्टेचुरी लिमिट वो है हमारी 3 लैक्स। इसके अलावा 10 मंथ की एवरेज सैलरी हमें लेनी है, तो 10 मंथ की एवरेज सैलरी अभी वही आएगी जो हमारी पिछले मंथ लास्ट डोन सैलरी है। हाँ, कहीं पर क्या होता है कि इन 10 मंथ के बीच में अगर कहीं सैलरी चेंज हो जाती है तो एवरेज में फ़र्क पड़ता है, तो आपको एवरेज लेना है, लास्ट के 10 मंथ लेने हैं, उन सैलरी को एवरेज करना है और उसके बाद 10 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आएगा। तो 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय 7300, यहाँ 73,000 आ जाएगा। और मैं ऊपर एक चीज़ बताना भूल गया कि इन्होंने क्या हुआ कि जो अब हमें इन्होंने लीव कितनी ली है एंड इनको अलाउ कितनी हुई थी, वो नहीं अलाउ इनको जितनी भी हुई होगी 45 डेज पर ईयर अलाउ हुई हो या कितने भी साल अलाउ हुई हो, है ना। तो यहाँ हम ये मान लेते हैं, क्योंकि देखो अगर कम अलाउ होती तो हम 30 डेज लेते हैं, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे 45 डेज इनको एक साल में अलाउ होती है। और इन्होंने जो अवेल की है ये 15-16 सालों के अंदर, वो अवेल की है इन्होंने 300 डेज इन्होंने छुट्टियाँ ले ली, ठीक है। बाकी छुट्टियाँ इनके भी एक्यूमलेटेड होकर के पड़ी है, बैलेंस पड़ी है, ठीक है। तो ऐसे केस में अपने को तो यहाँ पे हमें जो करना है वो है 30 डेज मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास 15 साल थे, ठीक है, इसमें 15 ईयर्स और 9 मंथ हो रहे हैं, तो हमें लेना है 15 ईयर्स, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो ये हमारे जो निकल के आएंगे वो है 300 डेज, सॉरी ये निकल के आएंगे 450 डेज। 300 डेज हमने वहाँ पे लीव्स ले लिए, तो 150 डेज हमारा आ जाएगा बैलेंस। अब हमें ये आगे कैलकुलेट करना है, तो ये जब हम 150 डेज मल्टीप्लाई बाई पर मंथ सैलरी हमारी 7300 है और एक महीने के लिए हम यहाँ डिवाइड बाई 30 डेज करेंगे तो निकल के आएगा 5 मंथ की सैलरी, क्योंकि 150 डिवाइड बाई 30 = 5, 36,500। तो इस तरीके से हमारा जो लोअर है वो है 36,500, ये हमारा एग्जम्प्ट अमाउंट आ जाएगा। और बाकी जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो होगा जब हम 36,500 को लेस करेंगे फ्रॉम 7 लैक्स जो हमें एक्चुअली रिसीव हुआ है उससे, तो हम हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, गुड डे, गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। प्लीज़ मैं आज वापस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो हम इसके लिए मोटिवेट रहे, आगे से आगे हम अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस बनाते रहे। फर्दर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहे, कोई भी तरीके का डाउट है कमेंट बॉक्स में डालते रहे, जिसी तरीके से कमेंट बॉक्स में मेरे पास काफ़ी सारे डाउट आ जाएंगे।